ये कोई सफाई कर्मी नहीं, ये है स्वच्छता का असली सिपाही शशि भूषण सिंह उर्फ पगला झाड़ू वाला। जी हाँ, बिहार के सीतामढ़ी जिले के डुमरी कला गांव निवासी पगला झाड़ू वाले की कहानी बेहद रोचक और मार्मिक भी है। बचपन से ही स्वच्छता का संकल्प लिए इस सफाई के सिपाही की लड़ाई खुद के समाज और परिवार से भी रही है। कहीं भी गंध की देखते ही झाड़ू लेकर सफाई में लग जाते हैं। धीरे धीरे ये आदत अब इनका जुनून बन चुका है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया, तब तो मानो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और तभी से नरेंद्र मोदी को इन्होंने अपना धर्म पिता बना लिया और इनका सपना है नरेंद्र मोदी से मिलना। इतना ही नहीं, माली हालत बेहद खराब होने के कारण सफाई अभियान में इन्होंने अपनी पत्नी के जेवर तक को गिरवी रख दिया, लेकिन हार नहीं मानी। वही गरीबी से लड़ रही इनकी पत्नी ने भी इनका हौसला बढ़ाया। वही एक वाकया और अपनी माली हालत की बात कहते कहते एक बार बेहद भावुक होकर रो पड़े शशि भूषण। इतना ही नहीं, ये सीतामढ़ी और बिहार से बाहर भी कहीं जाते हैं और गंदगी पर इनकी नज़र पड़ी तो सफाई में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी इस लड़ाई पर सरकार और प्रशासन की नज़र नहीं पड़ी। डीएम से लेकर सीएम तक सबके द्वारा इन्हें कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। सबसे पहले प्रखंड स्तरीय सम्मान मिला, फिर डीएम के द्वारा कई मंचों पर भी सम्मानित किया गया, फिर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इनकी खूब सराहना करते हुए सम्मानित किया। वहीं इनकी इस लड़ाई को जहां स्थानीय लोगों के द्वारा सराहना मिलती है, तो कई बार कुछ लोगों की गालियां भी सुननी पड़ती है। बावजूद इसके इस पगला झाड़ू वाले ने कभी ही मामत नहीं हारी और संसाधनों और आर्थिक रूप से लचर होने के बाद भी ये अपने अभियान में लगे हुए हैं। खबर बनाने के दौरान बोलते बोलते रो पड़े और फिर खुद अपना आंसू पोंछते चल पड़े अपने मिशन में। सच में इस पगले झाड़ू वाले की कहानी अजीब है और ना जाने कब इनका प्रधानमंत्री से मिलने का सपना पूरा होगा। और सिलसिला दिया कि हमें गर्व हुआ कि जब हम पढ़े लिखे नहीं होने के बाद भी कहते हैं कि अभाव और प्रभाव को दोनों को लेके हम चलेंगे, लेकिन स्वच्छता को आप मत छोड़िएगा। और स्वच्छता ही हमारा जीवन है सर, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं पूरा बर्बाद हो चुका हूँ। लोगों अनेक अनेक बातों सलोचना उठाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं भूखा जगाता हूँ सुलाता नहीं। लेकिन कभी कभी आपका शशि भूषण भूखा भी सोता है सर, लेकिन एक ही सपना है कि हमें पीएम मोदी से सिर्फ मिलना है। और दिल की बात हम नहीं बताते, मात्र उनसे दो ही प्रश्न है मेरा, क्या स्वच्छता के लिए हम अपने पत्नी के आभूषण तक भी दांव पर लगा दिए, तो क्या एक नाम पगला झाड़ू वाला। और मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ कि मुझे ऐसा नाम मिला है। जय हिंद सर, जय स्वच्छता।